वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी स्टूडेंट, मैं हूं सैयद तंजील सर। आपका स्वागत है केमिस्ट्री एकेडमी बाय तंजील सर। आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ओके, अपना टॉपिक है अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, और उसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। नाउ एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन थ्री कंसेप्ट। वन इज योर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। हाउ टू डिस्टिंग्विश, विच टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। सेकेंड रहेगा ब्रेकिंग ऑफ ओ एच बॉन्ड ऑफ अल्कोहल, एंड थर्ड रहेगा ब्रेकिंग ऑफ सी ओ बॉन्ड ऑफ अल्कोहल विथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स वी विल ट्राई टू कवर। लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज फर्स्ट पॉइंट इन केस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, दैट इज ल्यूकोस रिएजन। ओके, आज का हमारा कंसेप्ट है ल्यूकोस रिएजन। अब इन केस ऑफ ल्यूकोस रिएजन वी विल ट्राई टू कवर अ डिफरेंट पॉइंट्स। हम अलग अलग पॉइंट कवर करेंगे। पहला पॉइंट, व्हाट इज ल्यूकोस रिएजन। सेकंड, वेयर इट इज यूज्ड, वेयर इट इज एप्लीकेबल, एंड व्हाट, थर्ड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ल्यूकोस रिएजन ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज ल्यूकोस रिएजन? एक्चुअली इट इज ZnCl2, अनहाइड्रस, मतलब विदाउट वाटर, अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl, CONC मतलब कॉन्सनट्रेटेड, एंड दिस मिक्सचर इट इज कॉल्ड एज ल्यूकोस रिएजन। दिस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। अनहाइड्रस का मतलब रहता है विदाउट वाटर। ओके, सो व्हाट इज ल्यूकोस रिएजन? द मिक्सचर ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज ल्यूकोस रिएजन। नाउ सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द एप्लीकेशन या यूज ऑफ ल्यूकोस रिएजन? अब ये ल्यूकोस रिएजन काय के लिए मैं यूज करूंगा, कैसा, वो मैं थर्ड पॉइंट बताऊंगा। एक्चुअली ल्यूकोस रिएजन इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। काय के लिए इसको यूज करते हैं? इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल, एंड 3 डिग्री मतलब टर्शियरी अल्कोहल। एंड फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन अमंग्स 3 अल्कोहल द ल्यूकोस रिएजेंट इज यूज्ड। वी कैन नॉट से द OH अटैच टू प्राइमरी कार्बन इज प्राइमरी अल्कोहल। इट्स ओके, द डेफिनेशन इज करेक्ट। OH अटैच टू सेकेंडरी कार्बन इज सेकेंडरी अल्कोहल। इट्स ओके, डेफिनेशन इज कवर। लेकिन जब मुझे डिस्टिंग्विश करना पड़ता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में, तो तब अपन क्या यूज करेंगे? ल्यूकोस रिएजन। हाउ दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सो 1 डिग्री अल्कोहल इट इज प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल इट इज सेकेंडरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल इट इज टर्शियरी अल्कोहल। और आप लोगों ने स्टडी किया है प्राइमरी कार्बन को अगर OH अटैच रहा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन को OH अटैच रहा सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी कार्बन को OH अटैच रहा टर्शियरी अल्कोहल। नाउ स्टार्ट, हाउ इट इज एप्लीकेबल, हाउ इट इज एप्लीकेबल। नाउ व्हेन 1 डिग्री अल्कोहल मींस प्राइमरी अल्कोहल, अब देखो इधर, नाउ दिस वन इज योर CH2OH एंड हेयर 1 अल्किल ग्रुप इज अटैच। प्राइमरी कार्बन अपन किसको बोलेंगे? द कार्बन टू विच अनदर 1 कार्बन इज अटैच, ऐसा कार्बन जिसको एक ही कार्बन अटैच रहेगा, एक अल्किल ग्रुप अटैच रहेगा, दैट इज प्राइमरी कार्बन। एंड OH अटैच टू प्राइमरी कार्बन, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल। नाउ इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, 2 कार्बन अटैच टू कार्बन एटम्स। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन को 2 अल्किल ग्रुप अटैच है, एंड इफ OH अटैच टू दिस कार्बन इट इज कॉल्ड एज 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल। एंड इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, 3 अल्किल ग्रुप अटैच टू, 3 अल्किल ग्रुप अटैच टू कहाँ अटैच रहेंगे? 3 अल्किल ग्रुप अटैच टू कार्बन बियरिंग OH। नाउ दिस इज प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी अल्कोहल। व्हेन 1 डिग्री अल्कोहल हीटेड विथ अनहाइड्रस
ओके अनहाइड्रस जेड एन सी एल टू इन कॉन्सनट्रेटेड एस सी एल ओके अनहाइड्रस जेड एन सी एल टू इन कॉन्सनट्रेटेड एस सी एल नो डाउट इन दिस केस ओ एच एंड एच वाटर विल एलिमिनेट्स क्या एलिमिनेट हो जाएगा वाटर मतलब ओ एच इट इज रिप्लेस्ड बाय सी एल ओ एच इट इज रिप्लेस्ड बाय सी एल एंड अल्कोहल विल कन्वर्ट इन टू अल्किल हलाइट अल्किल क्लोराइड ओके योर प्रोडक्ट विल बी आर सी एच टू सी एल ओ एच इज रिप्लेस्ड बाय सी एल बट वाइल वेन सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट विथ अनहाइड्रस जेड एन सी एल टू इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड एस सी एल अगेन एच एंड ओ एच क्या रिमूव हो जाएगा एच टू ओ एंड दिस ओ एच इट इज रिप्लेस्ड बाय सी एल मीन्स हेयर वी विल गेट आर सी एच आर हेयर ओ एच इज रिप्लेस्ड बाय सी एल हेयर ऑल्सो अल्किल क्लोराइड विल फॉर्म इधर भी अल्किल क्लोराइड बनेगा यहां पर आप लोग रिएक्शन करेंगे व्हेन इट रिएक्ट विथ ल्यूकोस रिएजेंट अनहाइड्रस जेड एन सी एल टू इन कॉन्सनट्रेटेड एस सी एल डेफिनेटली यू विल गेट हेयर अल्किल क्लोराइड ओ एच इट इज रिप्लेस्ड बाय सी एल एंड वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा बट हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नोट ऑन दिस पॉइंट हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कैसा डिस्टिंग्विश करेंगे अब देखो एक्चुअली ये डिस्टिंग्विश रहता काय पर डिपेंड पता है सॉलिबिलिटी पर अल्कोहल्स आर सॉलिबल इन वाटर अल्कोहल्स क्या है अल्कोहल्स आर सॉलिबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट शोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल क्या शो करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट दिस अल्किल हैलाइड व्हिच इज फॉर्म या जो अल्किल हैलाइड बनता है दैट अल्किल हैलाइड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर वो अल्किल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल होगा क्या नहीं एंड दैट इज अ क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल देखो मैं स्टार्ट करता हूँ आपको ये सेंटेंस लिखना है व्हेन टर्शियरी अल्कोहल react with मैं tertiary से start करता हूँ when tertiary alcohol react with anhydrous ZnCl2 anhydrous ZnCl2 आपने एक test tube में alcohol लिए tertiary alcohol ये transparent रहता है like a water colorless रहता है क्या रहता है ये colorless अब जैसे ही उसमें आप ये mixture add करेंगे glucose reagent add करेंगे ZnCl2 plus HCl that clear solution become turbid वो क्लियर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा टर्बिट हो जाएगा अब टर्बिट मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी धुंधला हो जाएगा जस्ट लाइक अ प्रेसिपिटेट अब आप क्या करो आपके घर पर मिल्क है एक दो ड्रॉप मिल्क के वाटर में डाल दो छोटा वाटर ले उसमें दो तीन ड्रॉप मिल्क या पाँच छः ड्रॉप मिल्क डालो और उसमें थोड़ा सा व्हाइट सिल्वरी कलर बनता देखो दैट इज कॉल्ड एज टर्बिडिटी उसको अपन धुंधला बोलते हैं मतलब वो सोल्यूशन क्लियर रहेगा क्या नहीं तो यहाँ पर जो टर्बिड सोल्यूशन बनता है वो इंस्टेंटेनियसली क्विक बन जाता जैसे आप लोग उसमें ऐड करते एस सी एल इन जेड एन सी एल टू हार्डली थ्री मिनट्स बोलो या टू मिनट्स में सोल्यूशन क्या हो जाता है टर्बिड हो जाता है इंस्टेंटेनियसली बिकम टर्बिड इंस्टेंटेनियसली बिकम टर्बिड हार्डली टू टू थ्री मिनट्स लगते कितने मिनट्स लगते हैं हार्डली टू टू थ्री मिनट्स कब जब मैं क्या लूंगा सेकेंडरी अल्कोहल अगर मैंने टर्शियरी अल्कोहल अगर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया एंड व्हेन यू विल ऐड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन कॉन्सनट्रेटेड HCl नो डाउट दिस सॉल्यूशन बिकम टर्बिड ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा टर्बिड बट इट विल टेक टाइम नियर अबाउट 5 to 10 minutes कितना टाइम लेगा ये 5 to 10 minutes अगर क्विकली धुंधला हो रहा हो क्विक टर्बिट हो रहा है 2 to 3 minutes के अंदर या उससे भी कम समय में तो अपन उसको क्या बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल 5 to 10 minutes थोड़ा टाइम लग रहा धुंधला होने में या टर्बिट होने में उसको अपन क्या बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल लेकिन प्राइमरी अल्कोहल का अगर मैं केस देखूंगा प्राइमरी अल्कोहल बिकम टर्बिट आफ्टर हीटिंग
बिकम टर्बिड आफ्टर हीटिंग, मतलब आप लोगों को उसको हीट करना पड़ेगा। जब आप लोग हीट करेंगे वो सॉल्यूशन को, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, धुंधला होगा, टर्बिड होगा, जस्ट लाइक अ प्रेसिपिटेट बनेगा वो। एंड दिस आर द डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो याद रहेगा, अगर हीटिंग के बाद वो टर्बिड हो रहा है, सॉल्यूबल टर्बिड हो रहा है, दैट इज योर प्राइमरी अल्कोहल। इफ क्विकली, इंस्टेंटेनियसली का मतलब रहता है क्विकली, अगर वो क्विकली टर्बिट हो रहा है, दैट इज योर टर्शियरी अल्कोहल। एंड इफ टेक टाइम्स, शेक करना पड़ रहा है आपको, अगर शेक करने के लिए 10 मिनट्स लग रहे हैं, शेकिंग पता है आप लोगों को 5-10 मिनट्स लग रहे हैं, दैट इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। एंड दिस इज द रोल ऑफ ल्यूकस रिएजन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। नाउ पॉज योर वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो मुझे स्टूडेंट ऑनेस्टली एक बात बोलो, टेल मी, आपको समझ में आ रहा है कैसा डिस्टिंग्विश करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में? प्राइमरी अल्कोहल प्लस ल्यूकोस रिएजन बिकम टर्बिड सॉल्यूशन, बिकम टर्बिड आफ्टर हीटिंग। आपको हीट करना ही पड़ेगा, वैसा टर्बिट होगा, धुंधला होगा क्या? नहीं। ट्रांसपेरेंसी उसकी खत्म होंगी क्या? नहीं। व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल प्लस ल्यूकोस रिएजेंट आप टेस्ट में लेके उसको शेक करते खड़े रहेंगे, मिनिमम 10 मिनट शेक करेंगे आप उसको, शेक करने के बाद वो क्लियर सॉल्यूशन टर्बिट बनेगा, ओके, दैट इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। एंड अगर जिंक क्लोराइड प्लस HCl ऐड करते से विद इन 1-2 मिनट्स अगर जल्दी से टर्बिट हो जा रहा हो, तो वो क्या रहेगा आप लोगों का? टर्शियरी अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिलेटेड टू योर इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। इंट्रेंस में आपको पूछता है, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, देन वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट कंसेप्ट। आपको एक क्वेश्चन पूछता है, विच टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग ग्रुप्स। I am writing question, note down this question, जल्दी question लिखो, which test is used to distinguish between following functional group, which test is used to distinguish between following functional group? Now A, CH2OH, B, CHOH, C, COH. Now these three functional groups are given, और आपको question पूछता है which test is used to distinguish between following compounds, following groups, following functional group. अब देखो, now OH is there, means definitely it is alcohol. आहे OH, so ये क्या हो गया आप लोगों का? Alcohol. Now CH2OH, it is a functional group of primary alcohol, so we will call it 1-degree alcohol. CHOH, इसका मतलब दो अल्किल ग्रुप यहां अटैच्ड है, दिस वन इज योर 2-degree अल्कोहल। COH मतलब 3 अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड हेयर, सो दिस वन इज योर टर्शियरी अल्कोहल। सो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, विच टेस्ट इज यूज, कौन सा टेस्ट यूज करेंगे अपन? ल्यूकोस टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे? ल्यूकोस टेस्ट। ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन में वो टेस्ट के बजाय वर्ड चेंज करता है, विच रिएजेंट इज यूज्ड, और आपको वो 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी और डी। अब ये 1-degree, 2-degree एंड 3-degree, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस 3 अल्कोहल, विच रिएजेंट इज यूज्ड, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे आप लोग? सपोज ए इज गिवन ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बी इज गिवन अनहाइड्रस ZnCl2, यस, बी इज गिवन अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। नाउ सी इज गिवन ZnCl2 प्लस HCl, ZnCl2 प्लस HCl। एंड डी इज गिवन अनहाइड्रस ZnCl2, सी है ना, अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। Now, out of these 4, which reagent is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol? अब मैं कौन से reagent use करूँगा? Now, first one is your ZnCl2 plus concentrated HCl. Second,
अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl, थर्ड ZnCl2 प्लस HCl, फोर्थ अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। अब मैं ल्यूकस रिएजेंट यूज करता हूँ और ल्यूकस रिएजेंट क्या है, अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl, सो बी विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। देखो आप लोगों का इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली अप्रॉक्सिमेटली ऑल आंसर आर नियर अबाउट सेम, बट टर्म्स एंड कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट। सो ल्यूकस रिएजेंट इज योर अनहाइड्रस कॉन्सनट्रेटेड, नाउ दिस टू टर्म्स कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, सो माई करेक्ट ऑप्शन और अवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नाउ दिस आर द टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, नोट डाउन करो, दिस आर द टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट मे आस्क, आपको वो स्ट्रेट वे में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, नोट डाउन योर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, नाउ हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, सी योर क्वेश्चन, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन प्रोपिल अल्कोहल, सी है ना, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन प्रोपिल अल्कोहल देन आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ओके एन प्रोपिल अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल एंड सपोज टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, सपोज थर्ड वन इज गिवन टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये आपको वो ऐसा भी दे सकता है एन ब्यूटिल अल्कोहल आइसो ब्यूटिल अल्कोहल टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस थ्री अल्कोहल्स, तो आप लोग लिखेंगे ए एन 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 प्रोपिल अल्कोहल, योर एन प्रोपिल अल्कोहल इज सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच, नाउ हियर सी एच टू ओ एच मीन्स दिस वन इज योर वन डिग्री अल्कोहल दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, तो मैं यहाँ लिखूंगा व्हेन प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकस रिएजेंट, प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकस रिएजेंट सल्यूशन बिकम टर्बिड आफ्टर हीटिंग, बिकम टर्बिड आफ्टर हीटिंग, सल्यूशन बिकम टर्बिड आफ्टर हीटिंग बिकॉज एन प्रोपिल अल्कोहल इट इज अ वन डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल। नाउ कम टू द आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ओके नाउ योर आइसोप्रोपिल अल्कोहल इज सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ओ एच, नाउ सी एच ओ एच मीन्स इट इज टू डिग्री अल्कोहल, ये क्या हो गया आप लोगों का 2 डिग्री अल्कोहल, व्हेन 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकोस रिएजेंट, अब जब 2 डिग्री अल्कोहल ल्यूकोस रिएजेंट से रिएक्ट करेगा नाउ सॉल्यूशन बिकम टर्बिड आफ्टर वेल शेकिंग या आफ्टर 5 टू 10 मिनट्स, इट विल टेक टाइम्स, कितना टाइम लेगा ये 5 टू 10 मिनट्स, मतलब मुझे लॉन्ग टाइम शेक करना पड़ेगा मिनिमम 5 टू 10 मिनट्स, ओके एंड नाउ टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, सी दिस वन इज योर टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल एंड व्हेन टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल रिएक्ट विथ ल्यूकोस रिएजेंट, जब ये टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल ल्यूकोस रिएजेंट से रिएक्ट करेगा सॉल्यूशन बिकम इंस्टेंटेनियसली वेरी क्विकली, इंस्टेंटेनियसली मतलब बहुत जल्दी ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन बिकम टर्बिड, वेरी क्विकली सॉल्यूशन बिकम टर्बिड। तो स्टूडेंट पॉज योर वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट, ओके एंड ट्राई टू रिमेंबर, अगर उसने मुझे अल्कोहल का डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछा है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग अल्कोहल्स, तो देखने का कौन सा वन डिग्री प्राइमरी अल्कोहल है, विच वन इज टू डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल, विच वन इज थ्री डिग्री टर्शियरी अल्कोहल एंड डायरेक्टली यूज ल्यूकोस रिएजेंट, क्विकली इंस्टेंटेनियसली टर्बिट हुआ टर्शियरी अल्कोहल, आफ्टर सम टाइम बिकम टर्बिट सेकेंडरी अल्कोहल, सम टाइम मतलब 5 टू 10 एंड इफ क्विकली टर्शियरी आफ्टर सम टाइम सेकेंडरी एंड इफ बिकम टर्बिड आफ्टर हीटिंग, मतलब टर्बिट हो ही नहीं रहा है मुझे उसको हीट करना पड़ रहा है, बहुत टाइम हो गया एक घंटा हो गया लेकिन टर्बिट नहीं हो रहा है तो मैं उसको हीट करूंगा और हीट करने के बाद टर्बिट हो रहा है दैट इज योर प्राइमरी अल्कोहल। सो दिस इज द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल दैट इज ल्यूकोस रिएजेंट या रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl। नाउ दिस वन इज माई फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, नाउ कम टू द सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, अब देखो मैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करता हूँ, नाउ इनकेस ऑफ सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी
of alcohol, we will study the chemical reaction due to, मतलब अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन, हाँ, केमिकल रिएक्शन ड्यू टू क्लेवेज का मतलब रहता है ब्रेकिंग, ड्यू टू क्लेवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड ऑफ अल्कोहल. अब देखो, अल्कोहल इज योर R O H, मतलब अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं अपन, OH, मतलब अल्कोहल से क्या रिमूव कर रहे हैं अपन, H. एंड इन दिस केस आवर फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू बिगिन, दैट इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल. देखो, साइमल्टेनियसली मैं कवर करूंगा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, पहले अपन स्टडी करेंगे, एंड देन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फेनॉल. यहां मैं आपको बताऊंगा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फेनॉल. ओके स्टूडेंट, लेट्स बिगिन आवर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर योर नीट एंड JEE एंड एज वेल एज फॉर योर स्टेट बोर्ड, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल. और दोनों केसेस में वी विल ट्राई टू कवर 2 to 3 एग्जाम्पल्स विच आर इंटरेस्टेड इन नीट और एक्सपेक्टेड इन नीट्स. तो देखो, अब मैं एसिडिक कैरेक्टर स्टार्ट कर रहा हूं. नाउ टू एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर, जनरली लिटमस पेपर इज यूज्ड, सबको मालूम है, आप लोगों ने लिटमस पेपर देखा है. नाउ इफ ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड, गिवन कंपाउंड इज एसिडिक. इफ रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू, गिवन कंपाउंड इज बेसिक. एंड इफ नो इफेक्ट ऑन ब्लू एंड रेड, मतलब ब्लू रिमेन्स ब्लू एंड रेड रिमेन्स रेड, योर सोल्यूशन इज न्यूट्रल, नो एसिड नो बेस. दैट टेस्ट इज यूज लिटमस पेपर टेस्ट, फिजिकल टेस्ट बोलते हैं उसको. नाउ अकॉर्डिंग टू फिजिकल टेस्ट, अगर मैं देखूंगा फेनॉल आर एसिडिक इन नेचर, फेनॉल क्या रहते हैं, एसिडिक इन नेचर, एंड अल्कोहल्स आर न्यूट्रल. ल्यूकस के हिसाब, सॉरी लिटमस पेपर के हिसाब से अल्कोहल क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगा. नाउ फर्स्ट पॉइंट लिटमस पेपर, फिजिकल टेस्ट हो गया. नाउ सेकंड टेस्ट, रिएक्शन विथ मेटल. सेकंड टेस्ट क्या रहता है, रिएक्शन विथ मेटल. अब देखो, जब अल्कोहल एंड फिनॉल जब मेटल से रिएक्ट करते तो वह हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देते, ओ एच के पास से क्या एलिमिनेट करते हैं, H, और वो बनाते अल्कोक्साइड आयन, एंड फिनॉल बनाएगा फिनोक्साइड आयन. ये आप लोगों ने नंबर ऑफ टाइम्स स्टडी किया है. अल्कोहल क्या बनाएगा, अल्कोक्साइड आयन्स, एंड फेनॉल क्या बनाएगा, फेनोक्साइड आयन. जैसे मैं यहाँ एक अल्कोहल लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाँ, नाउ CH2 RCH2OH रिएक्ट विथ सोडियम मेटल. अभी जैसे सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा, H is replaced by Na, and that H will eliminate in the form of gas. And कौन सी gas eliminate होंगी यहाँ पर, hydrogen gas. अब ये H2 है और OH के पास एक ही hydrogen है, for balancing purpose it is multiplied by 2. अब दो alcohol के दो hydrogen remove हो गए, मेरा यहाँ product आ जाएगा twice of RCH2ONA. Means here H it is replaced by Na. OH bond convert into ONA. Alcohol ने अपना hydrogen, मतलब H plus ion that is called as proton, ये donate कर दिया उसने. अल्कोहल ने क्या डोनेट कर दिया, H इज रिप्लेस्ड बाय Na, मतलब अल्कोहल ने क्या डोनेट कर दिया, H प्लस आयन. एंड अकॉर्डिंग टू ब्रॉनस्टेड लॉरी कंसेप्ट, आप लोगों ने आरहेनियस थ्योरी पढ़ा होगा, लेविस कंसेप्ट स्टडी किया होगा, लॉरी ब्रॉनस्टेड कंसेप्ट स्टडी किया होगा. सो नाउ प्रोटोनिक थ्योरी ये रहता है आप लोगों का, ब्रॉनस्टेड लॉरी थ्योरी 1923 में. और अकॉर्डिंग टू ब्रॉनस्टेड लॉरी एसिड बेस्ड थ्योरी, प्रोटॉन डोनर्स आर एसिडिक. जो प्रोटॉन डोनेट करता, जो भी कंपाउंड में से H प्लस आयन्स निकलता है, H प्लस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन, वो क्या रहते हैं, एसिडिक नेचर रहते. अकॉर्डिंग टू लॉरी, ब्रॉनस्टेड अल्कोहल्स आर वीक एसिड. अल्कोहल क्या रहते हैं तुम्हारे, वीक एसिड रहते, क्योंकि अल्कोहल क्या डोनेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन डोनेट कर रहे हैं.
ओके एंड आफ्टर डोनेटिंग द हाइड्रोजन अल्कोहल कन्वर्ट इनटू अल्कोक्साइड. अब ये तो रिएक्शन आप लोग नोट डाउन करेंगे. व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, विच गैस विल इवॉल्व, कौन सा गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन, और बनेगा क्या तुम्हारा सोडियम अल्कोक्साइड. यही पॉइंट आप लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस में स्टडी किया होगा. गाइस किया है कि नहीं, 100% किया होगा इनकेस ऑफ योर विलियमसन सिंथेसिस. नाउ सी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, स्क्रीनशॉट ले लिए, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल. पहले अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेट लॉरी थेरी और फिर आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं टीच करूंगा. इन एक्वियस मीडियम में भी अपन देखेंगे. अब अगर मैं ब्रॉन्स्टेट लॉरी थेरी के हिसाब से देखूंगा तो अल्कोहल्स आर वीक एसिड, क्योंकि अल्कोहल क्या करते, प्रोटॉन देते. अब जैसे मैंने यहाँ 1 degree अल्कोहल लिखा, RCH2OH. नाउ 2 degree अल्कोहल RCHROH. ओके एंड 3 degree अल्कोहल RCR सिंगल बॉन्ड OH. नाउ दिस 3 अल्कोहल्स आर गिवन. 1 इज योर 1 degree अल्कोहल, 2 degree अल्कोहल एंड 3 degree अल्कोहल. 3 अल्कोहल्स आर गिवन टू यू. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अल्कोहल है इनका एसिड स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहा हूँ. Yes, what we are going to find out? Yes, what we are going to find out? We are going to find out the acid strength. मतलब acid strength का मतलब होता है which alcohol is more acidic. Actually, alcohols are weak acidic according to Bronsted and Lorry. लेकिन amongst alcohol, अगर मैंने आपको 3 alcohol दिया, primary, secondary, tertiary, तो कौन सा alcohol weak acidic रहेगा? याद रखो विच अल्कोहल इज वीक एसिडिक, तो सबसे वीक एसिड आता है टर्शियरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल. मतलब इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहता है, प्राइमरी 1 degree अल्कोहल मोर एसिडिक देन 2 degree अल्कोहल, 2 degree अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 3 degree अल्कोहल. ये उसका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है. वीक एसिड कौन सा आएगा आपका, टर्शियरी, और मोर एसिडिक अमंग्स अल्कोहल ये कौन सा हो जाएगा आपका, प्राइमरी. बट व्हाई दिस इज सो, क्यों ऐसा होगा? अब देखो इसका 2 रीजन रहता है. नाउ सपोज ये अल्कोहल ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया. अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी आफ्टर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन दिस अल्कोहल बिकम RCH2O-, इसको बोलते अल्कोक्साइड आयन. क्या बोलते हैं अपन इसको, इट इज कॉल्ड एज, ये स्ट्रेंथ तो आप लोगों ने लिखा होगा. नाउ इट इज कॉल्ड एज अल्कोक्साइड आयन, सोडियम अल्कोक्साइड आपने पढ़ा है, मैंने वहां से सोडियम निकाला, सो ये क्या हो गया आप लोगों का, अल्कोक्साइड आयन. अब जो एसिड रहता आफ्टर डोनेटिंग द प्रोटॉन, एसिड कन्वर्ट होता बेस में. आफ्टर डोनेटिंग द प्रोटॉन एसिड काय में कन्वर्ट होता है, बेस में. And now this is called as alkoxide ions are conjugate base of alcohol. इसको अपन क्या बोलेंगे, conjugate base. क्योंकि जब मैं reverse reaction देखूंगा तो ये O minus क्या करता, proton लेता और O minus काय में convert होता OH. अब देखो यहाँ पर important factor रहता आप लोगों का electron donating inductive effect plus I effect. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव है. अब ये जो अल्किल ग्रुप है, नाउ दिस अल्किल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट. ये अल्किल ग्रुप क्या शो करता है, दिस अल्किल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट. और प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. ये अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश करते, डोनेट करते. अब ये अल्किल ग्रुप ने यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा. ऑक्सीजन विच इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन निगेटिव, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, क्लाउड मतलब डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की ताकत बढ़ जाएंगी. अब ये ऑलरेडी निगेटिव है, मैं निगेटिव चार्ज पुश कर रहा, दिस ऑक्सीजन कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा. क्योंकि निगेटिव निगेटिव हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल. अनस्टेबल के लिए आपके टेक्स्ट बुक में उसने एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में उसने वर्ड दिया हुआ है, डीस्टेबलाइज्ड. अल्कोक्साइड बिकम डीस्टेबलाइज्ड. ये क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज्ड. डीस्टेबलाइज्ड मतलब वो क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा, एंड यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जा रहा है.
ओके okay? अब ये नेगेटिव चार्ज है, इसने हाइड्रोजन एलिमिनेट किया था, तो हाइड्रोजन कौन सा फॉर्म है? H प्लस है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा, तो नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव, करेगा कि नहीं? मतलब ये नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, H प्लस को वापस ले लेगा और मेरा रिएक्शन बैक हो जाएगा, रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, बैक। आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल कन्वर्ट इंटो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, ये अनआयोनाइज्ड है, इसने आयंस बनाया था O माइनस और H प्लस, बट बिकॉज ऑफ दैट प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा, यहाँ नेगेटिव क्लाउड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रहा है और नेगेटिव क्या करता है, H प्लस को अट्रैक्ट करता है, बैक मेरा रिएक्शन हो जाता। अब आता हूं मैं सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ। इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल हाउ मेनी अल्किल ग्रुप्स आर देयर, मतलब यहां पर यहां कितना प्लस आ इफेक्ट रहेगा, इधर सेकेंडरी अल्कोहल में 2, यहां एक ही प्लस आ इफेक्ट था, यहां पर कितना प्लस आ इफेक्ट रहेगा, 2, मतलब दो अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज हेयर, ऑक्सीजन बिकम निगेटिव, ऑलरेडी निगेटिव है और निगेटिव होते जाएगा, मतलब उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ते जाएंगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी मतलब वो क्या होते जाएगा, मोर एंड मोर डिस्टेबिलाइज हो जाएगा, उतनी ताकत से वो एच प्लस को खींच लेगा। प्रोटॉन डोनर को अपन एसिड बोलते हैं, प्रोटॉन डोनर्स को अपन एसिड बोलते हैं, खींचने वाले को एसिड नहीं बोलते। मतलब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, निगेटिव स्ट्रेंथ बढ़ेगा, निगेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव को क्विकली अब्स्ट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ खींचेगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता कब, जब उतना इजीली वो प्रोटॉन को डोनेट करता, उतना इजीली प्रोटॉन को निकाल देता, बाहर फेंक देता, तब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता। यहां तो उल्टा केस हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीजन डिस्टेबलाइज हो रहा है, ऑक्सीजन मतलब अल्कोक्साइड आयंस, ऑक्सीजन ने अल्कोक्साइड आयंस डिस्टेबलाइज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप, एंड दैट्स व्हाई प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक या सेकेंडरी अल्कोहल्स आर वीक एसिड। यहां एक ही प्लस आई इफेक्ट है, यहां दो प्लस आई इफेक्ट है। Now come to the tertiary alcohol. In case of tertiary alcohol, three alkyl groups are pushing the electrons. तीन alkyl group electron donate कर रहे हैं. Alkyls are electron donating. अब तीन alkyl group electron donate कर रहे हैं. Oxygen already negative charge है. यहाँ पर electron cloud बढ़ रहा है आपका. Alkoxide ions में electron cloud बन रहा है. लेकिन as compared to secondary, electron cloud यहाँ ज़्यादा रहेगा. क्यों? तीन alkyl group continuously push कर रहे हैं. Donate कर रहे हैं electrons. उतना ताकत से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जो उसने डोनेट किया था उसको वापस खींच लेगा। अब अगर तेजी से हाइड्रोजन खींच रहा हो तो डेफिनेटली उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन एक्वियस मीडियम, एक्वियस मतलब वाटर में अल्कोहल्स आर न्यूट्रल स्पेसिस। ओके, तो मैं ये पॉइंट पर आ रहा हूं, पहले मुझे एक बात बोलो, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, कौन सा रिएक्शन प्रूफ करेगा अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, राइट क्वेश्चन, नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड राइट इट्स आंसर इन कमेंट्स बॉक्स विदाउट फेल। स्टूडेंट जस्ट फेवर मी, राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट्स बॉक्स, विच रिएक्शन शोज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, कौन सा रिएक्शन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल शो करेगा, दैट इज योर रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, रिएक्शन विथ मेटल्स, क्योंकि मेटल के जब साथ अल्कोहल रिएक्ट करता है तो अल्कोहल में से क्या रिमूव होता है, H, एंड आर ओ एच कन्वर्ट होता है आर ओ एन ए में, वो कॉन्जुकेट बेस बनाता है अल्कोक्साइड विच इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन OH minus ions. Alkoxide is a conjugate base of weak acid. जितना acid weak रहेगा उसका conjugate base उतना strong रहता है, याद रखो। Okay? So अब acidic strength याद रखेंगे, primary alcohol more acidic than secondary alcohol more acidic than tertiary alcohol. Agree? Now अब अगर ये alcohol को मैं मिथेनॉल से कंसिडर करूंगा, इफ दिस अल्कोहल्स आर कंसिडर्ड विथ मिथेनॉल, अगर मैं ये अल्कोहल को मिथेनॉल से कंसिडर करूंगा, ना मिथेनॉल इट इज 0 डिग्री अल्कोहल,
मिथेनॉल इट इज जीरो. अब एज कंपेयर टू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी मिथेनॉल मोर एसिडिक रहेगा. मतलब इसका कह रहे स्ट्रेंथ क्या था, मिथेनॉल मोर एसिडिक देन प्राइमरी अल्कोहल विच इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल विच इज मोर एसिडिक देन टर्शियरी अल्कोहल. नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाई मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. गाइज आर यू एबल टू राइट इट्स आंसर. एक ही पॉइंट याद रखने का, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट विच डीस्टेबलाइज द अल्कोक्साइड आयन कॉन्जुगेट बेस. अल्कोक्साइड आयन मतलब कॉन्जुगेट बेस. अब ये जीरो डिग्री अल्कोहल मतलब यहां पर जो कार्बन को OH अटैच्ड है, यहां कोई अल्किल ग्रुप अटैच्ड है क्या? अब OH अटैच्ड है CH3 को, यहां OH अटैच्ड है CH2 को, उसको एक अल्किल ग्रुप अटैच्ड है. OH अटैच्ड है CH को, दो अल्किल ग्रुप अटैच्ड है. OH अटैच्ड है C को, थ्री अल्किल ग्रुप्स आर अटैच. लेकिन यहां पर कोई अल्किल ग्रुप अटैच्ड है क्या? नो. अब अगर अल्किल ग्रुप अटैच्ड नहीं है तो प्लस आई इफेक्ट भी कम रहेगा, नहीं रहेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी, बिकॉज ऑफ नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट द मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी. एग्री एक्सेप्ट? मतलब मैं यहां कौन सा कंसेप्ट को पकड़ के रखूंगा, कौन सा धागा पकड़ के रखूंगा मैं? प्लस आई फैट का. अल्किल ग्रुप दिखा, अल्किल ग्रुप मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, क्या वो अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स? ये तो आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर चल रहा है. ओके तो ये सब लेक्चर में आप लोग क्या याद रखने का, एक एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखने का, सोडियम मेटल का रिएक्शन अल्कोहल के साथ याद रखो, उसके बाद में प्लस आई इफेक्ट याद रखो. जितना अल्किल ग्रुप बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते जाती है और ऑक्सीजन अनकंफर्टेबल होता है, मतलब डीस्टेबलाइज हो जाता है अल्कोक्साइड आयन्स. अब अगर ये अल्कोहल को मैं कंपेयर कर रहा हूं वाटर से, आप गेस्ट कर सकते स्टूडेंट, आप लोग गेस कर सकते हैं क्या, अगर मैं अल्कोहल को कंपेयर कर रहा हूं वाटर से, विच विल बी मोर एसिडिक? अल्कोहल मोर एसिडिक रहेगा या वाटर मोर एसिडिक रहेगा? गाइस कम ऑन, कर सकते हैं आप लोग गेस्ट, कौन मोर एसिडिक रहेगा, अल्कोहल रहेगा मोर एसिडिक या वाटर रहेगा? एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कब होता है? जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ता, मतलब अल्किल ग्रुप बढ़ता. अब मैं यहां अगर ऑक्सीजन देखूंगा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन आइटम्स है, नो अल्किल ग्रुप इज देयर. अब अगर अल्किल ग्रुप नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन पुश मतलब डोनेट करेगा ही नहीं. अब ऑक्सीजन ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन अगर मैंने ऐसे हाइड्रोजन को निकाला, ऑक्सीजन ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, ये दोनों बेचारे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर सकते. ऑक्सीजन कंफर्टेबल रहेगा मतलब स्टेबलाइज रहेगा. कंफर्टेबल क्या रहेगा मतलब क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा, डीस्टेबलाइज होगा नहीं. एंड वाटर विल बी मोर एसिडिक देन अल्कोहल. मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसा क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जाम में. लेट मी फिनिश वन पॉइंट, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, और उसके बाद मैं आपको मिक्स क्वेश्चन बताऊंगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, 4 मार्क्स नीट में कवर हो जाता है. वो आपको सिक्वेंस देता है 1 2 3 4 और करेक्ट स्ट्रेंथ पूछता है, विच विल बी या अरेंज इन डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, अरेंज इन इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर. अल्किल ग्रुप याद रखने का, अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर या वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. पीएच चेक करके देखो, वाटर का पीएच कितना है, अल्कोहल का पीएच कितना है, डेफिनेटली. ओके नाउ एज कंपेयर टू अल्कोहल फेनॉल्स आर मोर एसिडिक. अब ये तो अल्कोहल आप लोगों ने देखे गए इन एक्वियस मीडियम, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वाई इन एक्वियस मीडियम अल्कोहल्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स. अब एसिडिक में अपना सॉरी एक्वियस मीडियम वाटर में अल्कोहल न्यूट्रल कंपाउंड्स क्यों है? बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज विच डीस्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस अल्कोक्साइड आयन्स, एंड अल्कोक्साइड आयन्स अट्रैक्ट द एच प्लस आयन एंड रिएक्शन विल बी बैक चार्ज, मतलब आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल कन्वर्ट इंटू अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल. एंड दैट्स वाई इन एक्वियस मीडियम अल्कोहल्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स. एक्वियस मीडियम में वाटर में अल्कोहल्स क्या रहेंगे? न्यूट्रल कंपाउंड्स. सिर्फ जब वो मेटल से रिएक्ट करते तब ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट को लाने का, वो काका अपने पास रहते हैं, प्रोटॉन डोनेट किया, दैट इज योर एसिड.
एसिड स्ट्रेंथ याद रखो, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या आप लोगों का, इन एक्वियस मीडियम अल्कोहल्स आर न्यूट्रल, बट इन एक्वियस मीडियम, पॉज करो आपको वीडियो और सब नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बट इन एक्वियस मीडियम, अगर मैं एक्वियस मीडियम की बात करूंगा तो फेनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, अल्कोहल्स तो न्यूट्रल हो गया बिकॉज ऑफ डीस्टेबलाइजेशन ऑफ अल्कोक्साइड आयंस कॉन्जुगेट बेस, अल्कोक्साइड आयंस मतलब क्या हो गया मेरा कॉन्जुगेट बेस, लेकिन मेरा फेनॉल जो रहता है वो एसिडिक इन नेचर रहता है। Why in aqueous medium phenols are acidic in nature? मैं explain करता हूँ, आप लोगों को पता है। Now see, this one is your phenol. मेरा ये क्या हो गया, मेरा phenol attached there OH. अब जैसे phenol metal से react करेगा, यहाँ से क्या eliminate हो जाएगा H, and you will get here वहाँ alkoxide ion बना था, यहाँ phenoxide ion बनेगा, यहाँ क्या बनेगा आप लोगों का phenoxide ions. अब देखो स्टूडेंट क्या होता है, अभी अल्कोक्साइड डिस्टेबलाइज्ड हो गया था, लेकिन यहां क्या होता है, जैसे फिनोक्साइड आयन्स बनता, नाउ दिस नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन रहता वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है वो डोनेट, नंबर ऑफ टाइम्स आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टडी किए। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट होगा, ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड काय में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और यहां आ जाएगा मेरा नेगेटिव चार्ज। ओके, मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इट इज स्टेबलाइज्ड, नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इट इज स्टेबलाइज्ड, अब स्टेबल कर रहा नेगेटिव चार्ज को, कौन स्टेबल कर रहा, नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस ऑफ फिनोक्साइड आयन्स। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को, फिनोक्साइड आयन्स का नेगेटिव चार्ज को इतना टाइम मिलता नहीं कि वापस वो H प्लस को खींचेगा, वो नेगेटिव चार्ज क्या करता, वो डीलोकलाइज्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैनोनिकल फॉर्म और दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ, नाउ दिस चार्ज ट्रांसफर हेयर एंड दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हेयर, वन निगेटिव चार्ज मतलब वन बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड के पास मैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करो, मतलब दिस निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड ट्रांसफर होगा, डी रिमूवल लोकलाइज, एक जगह से दूसरी जगह रिमूव होगा, ट्रांसफर होगा। नाउ माई नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, सी हियर, and this resonating structure stabilizes the negative charge of phenoxide ions and that's why phenoxide ions are acidic in nature, और ये वजह से तुम्हारा जो phenoxide ion रहता that phenoxide ions it is acidic in nature. Now in final case shift here, this single bond convert into double bond, double bond ke electron shift karo, now finally you will get here phenol. So aapko wo question puchta hai, explain acidity of phenol, explain acidic character of phenol ya acidity of phenol, to aap log answer kya likhenge, phenol when react with ya when phenol donates the proton it forms phenoxide ions and the negative charge of phenoxide ions it is stabilized by resonance delocalization of negative charge. देखो ना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन नंबर टू पर था, इधर डीलोकलाइज मतलब गया कार्बन नंबर फोर, यहाँ कहाँ गया कार्बन नंबर सिक्स, एंड उसके बाद ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो, वन मार्क्स फॉर योर सेंटेंस एंड वन मार्क्स फॉर योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो व्हाई फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, बिकॉज इन केस ऑफ फिनॉल फिनोक्साइड आयन्स, फिनोक्साइड आयन्स ये मेरा फिनोक्साइड आयन हो गया, इन केस ऑफ फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन में क्या होता, इन केस ऑफ फिनोक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, फिनोक्साइड आयन्स ऑक्सीजन बिकम स्टेबल एंड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर शोन एज follows. Now pause your video and take a screenshot, read your NCERT textbook,
each and every concept is given properly. Okay, now this is all about the acidic character of alcohol and phenol. Guys, अपन study कर रहे हैं breaking of OH bond. कौन सा bond break कर रहा हूं मैं यहां पर? Breaking of OH bond. Alcohol का OH निकला, ONA बना. Alkoxide, that is conjugate base. Now, in case of breaking of OH bond, the most important factor I am going to start esterification. देखो guys, बहुत अच्छा concept मैं start कर रहा हूँ. Esterification, एक simple words में अपन बोलेंगे esterification means process. Ester का बनना. A process in which ester is formed is called as esterification. अपन esterification को क्या बोलेंगे यहाँ पर? Formation of esters. इसमें मैं तीन पॉइंट कवर करूंगा, ओके? और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल और फेनॉल का क्वेश्चन कैसा आता है नीट में. लेट मी फिनिश वन पॉइंट, ओके? नाउ व्हाट इज इस्टरिफिकेशन? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड एज इस्टरिफिकेशन. अब ये ईस्टर बनता कैसा है? वेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद अल्कोहल. जैसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करूंगा अल्कोहल से, इन प्रेजेंस ऑफ सुइटेबल डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने वाला मैं रिएजेंट लूंगा, से H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एलोमिना, P2O5, आप लोग फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं. P2O5 भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है. P2O5 क्या रिमूव करता है? वाटर मॉलिक्यूल. अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे, ये बनाते ईस्टर प्लस वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इस्टरिफिकेशन. ये रिएक्शन को मैं बोलूंगा इस्टरिफिकेशन. व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल, इट फॉर्म ईस्टर एंड वाटर, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज इस्टरिफिकेशन. नाउ प्रॉपर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर. सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड इज गिवन टू यू, CH3, C double bond O, single bond OH. अब टू कार्बन है तो इट इज ईथेन, एंड ओइक एंड एसिड लगा उधर, तो ये हो जाएगा आप लोगों का इथेनोइक एसिड. ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? इथेनोइक एसिड. नाउ दिस इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ मिथेनॉल. ये इथेनोइक एसिड किससे रिएक्ट करेगा? दिस इथेनोइक एसिड हीटेड विद, इन प्रेजेंस ऑफ एनी डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, ओके, मिथेनॉल. अब मैंने इसको रिएक्ट किया हूं मिथेनॉल से. नाउ इन दिस केस H फ्रॉम अल्कोहल एंड OH फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या रिमूव हो जाएगा? H2O, वाटर मॉलिक्यूल. Yes, what is eliminate? The elimination of water molecule, and my product will be CH3, C double bond O, then OCH3, bond breaking, bond making. जहां bond बनता वहां bond, sorry, जहां bond break होता वहां bond बनता. याद रखो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियस होना चाहिए. अब ये कार्बन और OH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यही कार्बन बॉन्ड बनाएगा. यहां पर O और H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा तो O बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ में, एंड यू विल गेट हेयर प्रोडक्ट दैट इज योर CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OCH3, एंड दिस OCH3 इट इज अ पार्ट ऑफ अल्कोहल. ये OCH3 किसका पार्ट है? अल्कोहल. अब मुझे ये ईस्टर का नेम लिखना है. अपन एसिड का नेम कैसे लिखते पता है? E ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय OIC फॉलोड बाय द वर्ड एसिड. एक कार्बन रहा तो मीथेन से मिथेनोइक एसिड, ई निकाल देने का. यहां जैसे दो कार्बन थे, इथेन से इथेनोइक एसिड. अगर तीन कार्बन रहते तो प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड. फोर कार्बन रहते ब्यूटेन से ब्यूटेनोइक एसिड. नाउ हाउ टू राइट द नेम ऑफ ईस्टर? ये तो एसिड का हो गया, कहीं शॉर्ट में लिख के रखो. हाउ टू राइट द नेम ऑफ एसिड? ई ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय OIC एंड फॉलोड बाय द वर्ड एसिड. अब जब मैं ईस्टर का नेम लिखता हूं तो मैं ईस्टर का नेम कैसा लिखूंगा? फर्स्ट राइट द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन. पहले मैं किसका नेम लिखूंगा? फर्स्ट राइट द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन. अब यहां पर ऑक्सीजन को कौन सा अल्किल ग्रुप अटैच है? CH3. इट इज कॉल्ड मिथाइल. गाइस, इसको अपन क्या बोलेंगे? मिथाइल. अब ये अल्किल ग्रुप को मैंने लिख दिया, उसके बाद कार्बन काउंट करो.
including carbonyl carbon. Now this one is my carbon number 1, this one is my carbon number 2. 2 carbon matlab parent alkane will be ethane. अगर दो कार्बन है तो पेरेंट अल्केन क्या हो जाएगा मेरा इथेन. देन ई इज रिप्लेस्ड बाय, व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ ईस्टर ई इज रिप्लेस्ड बाय, जब आप लोग ईस्टर का नेम लिखते तो ई इज रिप्लेस्ड बाय ओ ए टी ई ओ एट. अगर अल्केन रहा तो अल्केन काय में कन्वर्ट होगा अल्कैनो एट, ई इज रिप्लेस्ड बाय ओ ए टी ई. अब यहाँ पर टू कार्बन है इथेन, इथेन का ई निकालो वहाँ ओ ए टी ई लगा दो इथेनो एट. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, क्या नेम आएगा इसका इथेनो एट. नोट डाउन दिस पॉइंट. कार्बोक्सिल एसिड का नेम कैसे लिखेंगे, पहले अल्केन देखो कार्बन काउंट करके और फिर ओइक और एसिड लगाओ ई निकाल के. और जब मैं ईस्टर का नाम लिखूंगा तो पहले ऑक्सीजन को जो अल्किल ग्रुप है जस्ट हाइड राइट इट्स नेम मिथाइल, और उसके बाद इंक्लूडिंग कार्बोनिल कार्बन काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम. सो दिस वन इज योर मैथिल इथेनोएट एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज इस्टरीफिकेशन. अब अगर आप लोग ये रिएक्शन देखेंगे तो ये ओ सी एच थ्री कहाँ से आया पता है, ओ सी एच थ्री आया अल्कोहल से. दिस रिएक्शन शोज देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ ओ एच बॉन्ड, ये रिएक्शन शो कर रहा कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है OH. लेकिन ये आंसर से नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन पूछता है हाउ विल यू प्रूफ द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल इन ईस्टरिफिकेशन. मतलब जब ईस्टर बन रहा है तो अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये आप लोग कैसा प्रूफ करेंगे. एक सिंपल टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोपिक लेबलिंग. देखो हाँ कौन सा टेक्निक यूज करते हैं यहाँ पर, आइसोटोपिक लेबलिंग. अब आइसोटोप्स आपको पता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. यहाँ क्या करते हैं कि अल्कोहल का जो ऑक्सीजन रहता वो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लेते, दैट इज आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन ओ एटीन. अब ऑक्सीजन आप लोगों का ओ एट सिक्सटीन भी है, ऑक्सीजन ओ एट सेवनटीन भी है, ऑक्सीजन ओ एट एटीन भी है. एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर, दिस इज कॉल्ड एज आइसोटोप. तो मैं ऑक्सीजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप लूंगा. ऑक्सीजन का कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ओ एटीन. यहाँ पर आप लोग ओ एटीन इसको लेबल कर देते हैं, ये स्टार इंडिकेट करता है दिस ऑक्सीजन इज ओ एटीन ऑक्सीजन दैट इज रेडियो एक्टिव, इसको बोलते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग. अब यहाँ पर डायरेक्टली आप ओ एटीन भी लिखे तो चलेगा, और जब फाइनल प्रोडक्ट देखते तो फाइनल प्रोडक्ट में वही लेबल ऑक्सीजन आया है, यहाँ पर आप 18 भी लिख सकते हैं. एंड दिस आइसोटोपिक लेबलिंग इंडिकेट दैट द ब्रेकिंग ऑफ ओ एच बॉन्ड व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड. गाइज आपको समझ में आ रहा है आइसोटोपिक लेबलिंग किसको बोलेंगे, अपन कोई भी वो आइटम का जो जहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसका आइसोटोप लेने का. आपको पूछता है क्या इन एस्टरीफिकेशन टू प्रूव द ब्रेकिंग ऑफ ओ एच बॉन्ड विच टेक्निक इज यूज्ड, कौन सी टेक्निक यूज करते हैं अपन, ये सब क्वेश्चन लिख के रखो आप लोग. आइसोटोपिक लेबलिंग. नाउ ऑक्सीजन का कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं ओ एटीन, विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन इज रेडियो एक्टिव ओ एटीन. राइट ऑल दिस पॉइंट्स इन केस ऑफ इस्टरीफिकेशन. नाउ सेकेंड पॉइंट, व्हेन यू विल सी द इस्टरीफिकेशन दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन. ये रिएक्शन क्या है रिवर्सिबल, क्योंकि होता क्या मालूम है जैसे ईस्टर और वाटर बनता दिस ईस्टर बैक रिएक्ट विथ वाटर. ये ईस्टर क्या करता वाटर से रिएक्ट करता और फिर वो कन्वर्ट होता एसिड और अल्कोहल में. काय में कन्वर्ट होता वो एसिड और अल्कोहल. अब मुझे यहाँ पर बैक रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन अवॉइड करना है, मुझे क्या अवॉइड करना है रिवर्सिबल रिएक्शन. तो मुझे यहां से वाटर रिमूव करना पड़ेगा, जैसे मैं यहां से वाटर निकाल दूंगा तो ईस्टर बनने के बाद में वो किसी से रिएक्ट करेगा क्या, नहीं, मतलब मेरा परमानेंटली प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्शन विल नॉट बी फॉरवर्ड सॉरी बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन होगा नहीं. उसके लिए अपन यूज करेंगे एस्टरीफिकेशन के लिए असाइल क्लोराइड.
अनहाइड्राइड, वो सब मैं रिएक्शन आपको बताता हूँ. नोट डाउन, पॉज योर वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट. पहले वहाँ लिखो व्हाट इज इस्टरिफिकेशन, देन राइट कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म इस्टर, देन राइट दिस रिएक्शन, एंड उसके बाद वो लिखो क्या OH बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है उसके लिए अपन कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हैं, आइसोटोपिक लेबलिंग. नाउ पॉज योर वीडियो. ओके, नाउ आवर पॉइंट इज इस्टरिफिकेशन. अब अपन यहां यूज करेंगे इस्टरिफिकेशन के लिए अल्कोहल प्लस असाइल क्लोराइड. अल्कोहल प्लस असाइल क्लोराइड इट कन्वर्ट इनटू ईस्टर, बट दिस रिएक्शन विल बी, ये जो रिएक्शन रहेगी वो इरिवर्सिबल रहेंगी. क्यों मालूम है? क्योंकि दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, ये जो रिएक्शन होती है दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, कोई पायरिडीन भी बोलता है, PYRIDENE. एक्चुअली पिरिडीन, इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन. नाउ दीज आर द 5 कार्बन एटम्स, 1, 2, 3, 4, and 5. These are the 5 carbon atoms. At each carbon, one hydrogen atom is attached. So it is called as C5H5N. क्या बोलते हैं इसको? C5H5N. कोई भी आपको वहां पिरिडीन नहीं देगा, वो आपको देता है C5H5N या ये स्ट्रक्चर. एंड ट्राई टू रिमेंबर पिरिडीन का रोल क्या था मालूम है? इट एक्ट एज अ बेस. इट इज अ गुड एब्जॉर्बर. It is a good absorber and it is act as a catalyst. काय का रोल प्ले करता है? It प्ले द रोल ऑफ कैटलिस्ट. मैं आपको पहले रिएक्शन बताता हूँ. बेस तो आपको मालूम है, यू नो वेरी वेल वट इज कैटलिस्ट, रोल ऑफ कैटलिस्ट. एब्जॉर्बर एंड वाई फॉर इस्टरिफिकेशन, दिस इज अ गुड मेथड, वो भी मैं आपको बताता हूँ. नाउ स्टार्ट अल्कोहल. सपोज आई एम टेकिंग हेयर मिथेनॉल, CH3OH. ओके, नाउ दिस वन इज माय मिथेनॉल प्लस असाइल क्लोराइड CH3C(OCl). नाउ दिस वन इज योर असाइल क्लोराइड. व्हेन असाइल क्लोराइड रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ C5H5N, दैट इज पिरिडीन. ओके, नाउ इन दिस रिएक्शन व्हेन यू विल सी, अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, सो दिस H एंड Cl रिमूवल ऑफ, क्या रिमूव हो जाएगा? HCl, एंड माई प्रोडक्ट विल बी CH3C(OOCH3). मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर? CH3C(OOCH3), एंड दिस इज कॉल्ड एज ईस्टर प्लस बाय प्रोडक्ट इज HCl विच इज अ गैस. बाय प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मेरा? HCl विच इज अ गैस. अब ये पिरिडीन क्या करता? पिरिडीन कैटलिस्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा उतना क्या होता है, रिएक्शन फास्ट होता. नाउ एज अ एब्जॉर्बर पिरिडीन क्या करेगा, यहां से HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा. HCl को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब. मतलब बैक रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज है क्या? नो, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. वहां वाटर को मैं निकाल नहीं सका, यहां पिरिडीन मैं ले रहा हूं तो क्या निकल जा रहा है वहां से? HCl को एब्जॉर्ब करके पिरिडीनियम क्लोराइड बना रहा हो. क्या बना लेता है वो? पिरिडीनियम क्लोराइड. रहने दो, अपने को मतलब नहीं उससे. जैसी गैस एब्जॉर्ब हो जा रही, मेरे पास में सिर्फ मेन प्रोडक्ट बन रहा है, एंड रिएक्शन विल नॉट बी रिवर्सिबल, रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल. एंड दैट्स व्हाई फॉर इस्टरिफिकेशन द गुड मेथड इज असाइलेशन ऑफ अल्कोहल. क्या बोलते हैं इसको? असाइलेशन ऑफ अल्कोहल. एंड दिस इज ऑल अबाउट द इस्टरिफिकेशन. एंड ये सब आते ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड. मैंने यहां से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया हूं. Which bond we have break here? Oxygen and hydrogen. And this is all about the chemical properties. ये सब note down करो, pause your video, note down this point. This is all about chemical property of alcohol due to cleavage of oxygen-hydrogen bond. Due to cleavage of oxygen-hydrogen बॉन्ड. ओके डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट स्टडी किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का. क्या क्या पॉइंट स्टडी किया हम लोगों ने? ल्यूकोस रिएजेंट विच इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल. सेकेंड मैंने यहाँ यूज किया हूँ रिएक्शन स्टडी किया, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, एंड देन
esterification. Carboxylic acid react with alcohol to form ester. Alcohol react with acyl chloride to form ester. How will you prove OH bond is break? OH bond break होगा वो आप लोग कैसा प्रूव करेंगे? तो ऑक्सीजन को आइसोटोप लेंगे, लेबल करेंगे. ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ. नाउ द क्वेश्चन इज गिवन टू यू. ए सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, बी सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच. ओके, नाउ देन सी सी सिक्स एच फाइव ओ एच. ओके, एंड डी पी एन ओ टू सी सिक्स एच फोर ओ एच. देखो हाँ, मैंने ये लिखा हूँ, ये चार ऑप्शन लिखा हूँ, आर अरेंज विथ डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर. देखो इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग. अब इसमें पहले फाइंड आउट करो विच वन इज मोर एसिडिक. अब देखो ये तो आपका इथेनॉल हो गया. नाउ इथेनॉल इट इज 1 degree अल्कोहल. दिस इज योर टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, इट इज 3 degree अल्कोहल. नाउ C6H5OH, C6H5OH इट इज फेनॉल. C6H5OH ये क्या रहता है आप लोगों का? फेनॉल. नाउ दिस वन इज योर PNO2, मतलब पैरा नाइट्रो. C6H4OH ये पार्ट आता है आपका फेनॉल का. सी दिस वन इज योर OH एंड यहां क्या अटैच करेंगे अपन? NO2. और ये 4 carbon पर 4 hydrogen आइटम्स आएंगे. आपको बोलता है अरेंज इन डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर. अब मुझे पता है फेनॉल्स दोनों है, फेनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, मतलब अल्कोहल लेस एसिडिक रहेगा फेनॉल बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेट बेस अल्कोक्साइड जो रहता है वो डीस्टेबलाइज्ड हो जाता है. अब ये दोनों अल्कोहल में मोर एसिडिक प्राइमरी अल्कोहल रहेगा बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, मतलब मेरा एसिडिक कैरेक्टर में ए आएगा उस. ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा? बी. इसके पहले मैं फेनॉल लिखूंगा, इसके पहले मैं क्या लिखूंगा? फेनॉल. अब है सी और डी में मोर एसिडिक कौन रहेगा, फेनॉल रहेगा या पैरा नाइट्रोफेनॉल रहेगा? अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी स्टडी किया, प्लस आई इफेक्ट फेनॉक्साइड आयंस का भी. यहां पर जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो सिर्फ 4 बनेंगे, लेकिन यहां पर NO2 भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है और ये मोर स्टेबल हो जाता है. तो इसका ऑर्डर क्या था मालूम है? डी पैरा नाइट्रोफेनॉल विच इज मोर एसिडिक देन फेनॉल, एंड फेनॉल मोर एसिडिक देन प्राइमरी अल्कोहल, एंड प्राइमरी अल्कोहल मोर एसिडिक देन टर्शियरी. अगर वो मुझे ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल देता तो पहले पैरा नाइट्रोफेनॉल आता, फिर ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल आता, फिर मेरा फेनॉल आता. मोर एसिडिक कौन सा रहेगा? पैरा. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी आप लोगों ने पढ़े है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़े है, पैरा आर मोर स्टेबलाइज्ड. उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, देन फेनॉल, और उसके बाद अल्कोहल्स आता है. इनके बीच में अगर मेथनॉल दिया तो फेनॉल के बाद पहले मिथेनॉल आएगा और फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल आएगा. नाउ सर्च टाइप्स आर एक्सपेक्टेड. अगर ये मैंने लिखा हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीज हो रहा है. अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर मुझे पूछता हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आता है? बी वीक एसिड, उससे थोड़ा एसिड ए ज्यादा रहता था, ए से थोड़ा एसिड सी ज्यादा रहता था, और सी से ज्यादा एसिडिक कौन रहता था? डी. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया. टर्म्स और कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. एंड दिस वन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर. ये कौन सा ऑर्डर रहता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर. स्टूडेंट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से टुडेज लेक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड. नाउ पॉज योर वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन विद आंसर. कॉन्जुगेट बेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू. नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स.